अउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पीट बैक मैकेनिज्म। ये पीट बैक मैकेनिज्म क्या चीज़ है? सो पीट बैक मैकेनिज्म, इट इज द मैकेनिज्म इन विच द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ दैट प्रोसेस। देखिए, वी आर डिस्कसिंग हेमोस्टेसिस और ये चैप्टर नंबर हेमोस्टेसिस का एक लास्ट टॉपिक है। हम ऑलरेडी इस चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जब इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाए तो हमारी बॉडी इसको बैलेंस कर देती है। ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडी खुद अपने आप को बैलेंस कर देती है। सो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्रोडक्ट्स अपने प्रोसेस को खुद रेगुलेट करती है। मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल में समझाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट्स अपने प्रोसेस को खुद रेगुलेट करती है। सो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है दैट वर्क्स टू रिटर्न द बॉडी टू नॉर्मल इंटरनल स्टेट। एक फंक्शनल रेगुलेटिंग सिस्टम है जिसमें बॉडी अपने ओरिजिनल हालत को वापस आती है। देखिए, इस सिस्टम में द बॉडी कंट्रोल द लिमिट ऑफ हार्मोन इन दिस सिस्टम। इन This system, the body, ये जो हमारी body है, the body maintain the level of hormone. In this system, the body maintain the level of hormone. The level of hormone in a desired limit. एक डिज़ायर लिमिट में बॉडी अपने हार्मोन को लेवल को मेंटेन करती है। इट इज़ द चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी में जब भी कोई हार्मोन में डिविएशन आ जाए तो बॉडी इसको चेक कर देते हैं। बॉडी फ्लूइड्स में कोई अपसेट आ गई तो बॉडी इसको चेक करती है, फिर इसको बैलेंस भी करती है। इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, सो अब इस मैकेनिज्म की दो टाइप्स है, आप एग्जांपल से इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझाएंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है एक, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले आते हैं हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड बैलेंसिंग फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम बैलेंसिंग फीडबैक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल्स है, इसके टाइप्स है। अब जब हम नेगेटिव फीडबैक को समझेंगे तो हम डायरेक्टली फीडबैक मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। सो इसको हम बैलेंसिंग फीडबैक इन दिस द रेट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस इन दिस मैकेनिज्म। इन दिस द रेट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स। जब हम प्रोडक्ट ज्यादा देते हैं तो कोई भी प्रोसेस डिक्रीज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं हम डायरेक्ट, ये है ब्लड, इसमें वाटर का एक अपना लेवल है। मिसाल के तौर पे ब्लड में वाटर का लेवल कम हो गया। इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द ब्लड, दिस डिफिशियंसी ऑफ वाटर इज डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, या यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। सो मिसाल के तौर पर ये हो गया हमारे साथ ब्लड, यहाँ पे वाटर का एक अपना लेवल है। मिसाल के तौर पर वाटर का लेवल डाउन हो गया, ये हमारे साथ है ब्रेन। ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इस लिमिटेड सप्लाई ऑफ ब्लड को, वाटर को डिटेक्ट किया किसने? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस के फ्लूइड से सस्पेंडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस गिव सिग्नल्स टू पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन है जिसकी पोस्टीरियर लोब से निकलती है ADH, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायोरेटिक हार्मोन विल एक्ट ऑन नेफ्रॉन,
ये मिसाल के तौर पर हो गई हमारे साथ निफ्रान, और निफ्रान की ये हो गई हमारे साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। सो ADH वर्क्स ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन वापस ब्लड में हो जाएगी। अभी निफ्रान का काम है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ प्रोडक्ट है ADH। अभी देखो, इन दिस द रेट ऑफ प्रोसेस डिक्रीजेस, यूरिन फॉर्मेशन कम होगी जब बाय इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स। जितनी ज्यादा ADH आएंगे, इतनी ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ब्लड को मूव करेगी, सो इतनी ही कम यूरिन फॉर्मेशन होगी। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये, अभी देखो, जब भी वाटर का लेवल ब्लड में पुल हो गया तो फिर ADH नहीं आएंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होंगे, तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने कम किया, अभी ये ज्यादा हो गया। सो इस ADH ने खुद ही अपने प्रोसेस को कंट्रोल में कर दिया। मैंने आपको पहले ये बताया था यहाँ पे डिफिनेशन में, इट इज द मैकेनिज्म इन विच द प्रोडक्ट इज इट सेल्फ कंट्रोल, इन विच द प्रोसेस इज इट सेल्फ कंट्रोल बाई इट्स प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स है, ये यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। सो इस ADH ने पहले यूरिन फॉर्मेशन को कम कर दिया, फिर ADH के ब्लॉक होने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो गया। सो इट इज अ सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म एक सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। इसमें ये ADH हार्मोन का एक डिजायर एलिमेंट है, ज्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। एक ऐसे कंडीशन जिसमें अगर ADH की सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं हो रही है तो फिर बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा। दिस कंडीशन वी कॉल डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ADH की सिक्रीशन स्टॉप होती है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। सो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि रेट ऑफ अपोप्टोसिस डिक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रोडक्ट। आप एक और मिसाल भी ले सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का एक अपना लेवल है, 100 mg/100 ml ऑफ ब्लड। ये ग्लूकोज का लेवल है, ये ब्लड है, ये नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज है ब्लड में। हमने खाना खाया तो खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल मिसाल के तौर पे बढ़ जाता है। सो ग्लूकोज का लेवल मिसाल के तौर पे 140 mg/100 ml ऑफ ब्लड हो गया। अब ये तो 40 ज़्यादा है, सो इट काजेज डायबिटीज मेलाइटस अगर इसी हालत में रह गया। सो यहाँ पे हमारे साथ होगी लीवर पिंक्रियाज, पिंक्रियाज से आएगी इंसुलिन। अभी देखो, जितनी ज्यादा इंसुलिन आएगी उतनी ही ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जब भी हम प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं तो ये ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा, जब ये इंसुलिन कम आ जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में ही ज्यादा रहेगा। ये भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे अपने आप को कंट्रोल में रखती है। सो नेगेटिव फीडबैक में सिंपली इसमें ये बात है कि यहाँ पे जब भी हम प्रोडक्ट ज़्यादा करते हैं तो प्रोसेस कम होगी, इट एक्ट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। अब आते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, आप इसका ये उलट ले लें। इन दिस द रेट ऑफ अपरासिस इंक्रीजेस, इन दिस द रेट ऑफ अपरासिस इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाएगी उतनी ही ज्यादा एक प्रोसेस रेगुलेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे चाइल्ड बर्थ है, मिसाल के तौर पे चाइल्ड बर्थ में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये बैलेंसिंग फीडबैक नहीं है, बैलेंसिंग फीडबैक हम सिर्फ नेगेटिव फीडबैक को कहते हैं। मिसाल के तौर पे चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड बर्थ है, ये हो गया हमारे साथ यूट्रस, ये है हमारे साथ सर्विक्स, ये है हमारे साथ यूट्रस,
यहाँ पे इस यूट्रस में प्रेजेंट है बेबी, और ये बेबी का मिसाल के तौर पे हेड है। अब जब यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है तो बेबी के हेड यहाँ सर्विक्स पे प्रेशर अप्लाई करती है। ये प्रेशर सिग्नल देता है किधर, यहाँ ब्रेन को, ठीक है। इस सिग्नल को ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि भाई कंट्रैक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस की प्लूट से सस्पेंडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एक हार्मोन निकलती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट करेगा, और ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, यूट्राइन कैविटी पे ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। जब भी हार्मोन के लिए कोई रिसेप्टर अगर मौजूद नहीं हो तो फिर वहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, ये हार्मोन तो ब्लड में रिलीज होती है, हार्मोन ब्लड में इंटेस्टाइन को भी जा सकती है, लीवर को भी जा सकती है, स्किन को भी जा सकती है, बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट को जा सकती है, यूट्रस को भी जा सकती है। लेकिन यूट्रस पे ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स है, तो वहाँ पे वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यूट्रस पे ही एक्शन करेगा। अगर ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे एक्शन करता है तो इस यूट्रस की कंट्रैक्शन होती है, इस कंट्रैक्शन की वजह से ये बेबी नीचे पुश हो जाता है तो सर्विक्स पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, ये मोड सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस को, ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और कंट्रैक्शन कर सकती है। जब भी ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, जितनी भी ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्ट इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा ये बेबी का हेड सर्विक्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। रेट ऑफ अपोप्टोसिस इंक्रीजेस मीन्स दैट कंट्रैक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रोडक्ट, जब भी ऑक्सीटोसिन की ज़्यादा मकदार हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समटाइम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हार्मफुल भी हो सकती है। हार्मफुल फीडबैक मैकेनिज्म किन टाइम में ये हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल फीडबैक मैकेनिज्म मिसाल के तौर पर व्हेन यू हैव हाई फीवर, जब भी एक बंदा है और उसका हाई टेम्परेचर है, हाई फीवर इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं एंजाइमेटिक एक्शन को, एंड मेटाबॉलिज्म जब होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जब भी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और हीट टेम्परेचर को हाई करता है, फिर हाई टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, फिर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मोर हीट प्रोड्यूस होगा, इस हीट से फीवर और भी बढ़ जाएगा। इन दिस कंडीशन समटाइम एक बंदा 113 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है और इसके बाद इसकी डेथ हो सकती है। एक ये कंडीशन है जो हार्मफुल हो सकती है। एक और भी कंडीशन है, जब भी ये एक बंदा है और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है एयर में, तो जब भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है जब मैं इनहेल करता हूँ तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा ना, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा। अब इस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करेगा हमारी बॉडी की हाइपोथैलेमस, अभी ये टॉक्सिक गैस है इसको बाहर निकालना चाहिए, तो ब्रेन नर्व्स के ज़रिए डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल को स्टिमुलेट करेगा, वो ब्रीथिंग रेट को हाई इसलिए करेगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। जब भी मैं ब्रीथिंग रेट को पास करता हो ये तो बाहर निकलता है, लेकिन मैं इनहेलेशन भी करता हो, पहली बार मैंने मिसाल के तौर पे 17 टाइम ब्रीथ कर रहा था, अब ज़्यादा CO2 अंदर ब्लड में है इसको बाहर निकालना चाहिए, तो मैं ब्रीथिंग को पास्ट कराऊँगा, तो ब्रीथिंग को पास करूंगा तो ये ऑलरेडी हाई अमाउंट में है तो और भी ज़्यादा बॉडी में अंदर जाएगा। पहले मैं 17 टाइम ब्रीथ ले रहा था, पर अब मैं 25 टाइम ले रहा हूँ, तो 25 टाइम में CO2 और भी ज़्यादा अंदर जाएगा। हम अच्छाई करते करते बुराई कर जाएंगे, सम टाइम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हार्मफुल भी हो सकता है। होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। अगर कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।